चीन से डर गया मोदी, भारत नहीं, इंडिया नहीं, हम भारतवासी, हम इंडियंस किसी से नहीं डरते, किसी के बाप से नहीं डरते। तो ये जो बड़बोले हमारे भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे आसीन श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, इन्होंने ये साबित कर दिया, इन इंग्लिश इट इज सेड ही हैज सीमेंटेड इट, साबित कर दिया कि वो चीन नामक देश से डरते। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन से फटती है। सोच के चलिए कि आज कोई विपक्षी दल अगर चीन जाए, विपक्षी दल, तो भाजपा वाले तो कुत्ते बिल्ली की तरह चढ़ पड़ेंगे झगड़े में कि तुम चीन चले गए, दुश्मन से मिलने चले गए। और ये जब खुद विपक्ष में थे तो ये 2009 में ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से चीन में मिलने जाते हैं, ये जानते हुए भाजपा और आरएसएस वाले कि ये जब कहानियां सुनाते हैं कि कैसे 1962 में चीन ने कैसा किया, कैसा चीन ने हमको धोखा दिया, ये उन धोखेबाजों से मिलने जाते हैं। सारा दिन इनके जो वो चपड़ गंजू संबित पात्रा जैसे जो प्रवक्ता हैं, ये टेलीविजन पे बोलते हैं माओवादी हो, नक्सली हो, ये साले सीखने गए थे, ये लोग सीखने गए थे, माओवाद सीखने गए थे। क्यों? किससे? चीनियों से, चीनी माओवादियों से माओवाद सीखने गए थे कि ये भारत में माओवाद कैसे फैला। नमस्कार दोस्तों, भारतवासियों, इंडियंस, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्कार, नमस्ते, केम छो, क्या हाल चाल, हाउ आर यू ऑल, आई होप एवरीवन इज फाइन, आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग, आई कैन ओनली होप दैट। आशा करता हूं कि आप लोगों से आज कुछ दिनों के बाद जो ये मुलाकात है उसको फिर से दुनिया देखेगी। बहुत खुशी होती है ये जान के कि जब हम और आप फेसबुक के थ्रू बातचीत करते हैं, मिलते हैं कुछ पल, कुछ मिनट्स के लिए, किसी मुद्दे पे डिस्कस करते हैं, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इसको दुनिया भर में प्रसारित करते हैं, शेयर करते हैं, और सारी दुनिया के अलग अलग देशों से हमको फीडबैक आते हैं। सबको नमस्कार, मिर्ज़ा जावेद बेग साहब सलाम, दीपक कुमार जी नमस्कार, सभी जुड़ने वाले मित्रों को प्यार भरा निशांत वर्मा का नमस्कार, और जो बाद में ये रिकॉर्डिंग देखेंगे आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आप लोग वो जरिया हैं मेरा जिससे जो मैं आप लोगों को लाइव पे कुछ तथ्य पेश करता हूँ, बातें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ जो न्यूज़ मीडिया नहीं बताता, जो अखबार नहीं बताता, भूल जाइए नेता तो कभी बताएंगे ही नहीं। तो इन बातों को आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, अपनाते हैं, और उसके बाद आप दुनिया भर में इस इंटरैक्शन को पहुँचाते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों के जरिए, आप लोगों की बात जो मैं करता हूं, जो मैं कोशिश करता हूं कि तथ्य भरे आपको इन्फॉर्मेशन से लबालब भर दूं और आप दुनिया भर में ये बात पहुंचाएं। तो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी दोज हु हैव जॉइंड। और आज के मुद्दे पे आते हैं। आज का मुद्दा आपने पढ़ा होगा, चीन से डर गया मोदी। आप लोगों के मन की बात है, मैं मुंह से बोल रहा हूं, आप लोग ये जानते हैं, सब जानते हैं कि चीन से डर गया मोदी, भारत नहीं, इंडिया नहीं, हम भारतवासी, हम इंडियंस किसी से नहीं डरते, किसी के बाप से नहीं डरते, दुनिया से नहीं डरते, है ना। लेकिन हमारे यहां एक महानुभाव है, बड़बोले महानुभाव, उनका बस चले तो वो बस कहानियां सुनाते रहे, ह्यून सांग से लेकर के। तो ये जो बड़बोले हमारे भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे आसीन
श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, इन्होंने ये साबित कर दिया, इन इंग्लिश इट इज सेड ही हैज सीमेंटेड इट, साबित कर दिया कि वो चीन नामक देश से डरते हैं। आइए इस पे कुछ चर्चा हो जाए, चीन से इनका डरने का क्या कारण है। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय के अंदर चीन ने भारत की तरफ लाल आंख की है, करनी इन्हें थी कर गया वो। चीन ने भारत की तरफ लाल आंख करी है, उसने हमारे देश की सीमा में घुस के जो भी किया हम सबको पता है, और जिसका अंत ये हुआ कि हमारे कई बहादुर वीर सैनिक, उनकी शहादत हुई, जिसका हमें अत्यंत खेद है। और आज हमेशा की तरह हम उन्हें फिर याद करते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं, उनकी बहादुरी को याद करते हैं, और हम उनको आज भी और हमेशा सलाम करते आए, करते हैं, करते रहेंगे। जय भारत की सेना। अब आ जाते हैं राजनीति पे। ये बहुत जरूरी है आप लोगों को समझ लेना। आप लोगों ने चैनल्स पे देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे लोगों की ओपिनियंस, राय, और जहां तक राजनीतिक लोग हैं उन लोगों की बातें आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, कुछ पे आप हंसे भी होंगे। अब हकीकत यह है कि पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी ये पूरी कोशिश में है ये साबित करने के लिए कि जो विपक्षी दल हैं, खास करके कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनका चीन से बड़ा गहरा नाता है, यही आप लोग देखते आए। मजा तो इस बात का है कि ना तो कांग्रेस का कोई नाता है, ना कम्युनिस्ट पार्टी का कोई नाता है। अगर कोई नाता नाती चाचा चाची का रिश्ता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चीन से है, और खास करके चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो इस समय रूल करती है वहां, उससे है। ये उनके हम बिस्तर लोग हैं, भाजपा और आरएसएस वाले हम बिस्तर हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ। तो ऐसे लोग जो इस समय भी हमारे देश पे राज कर रहे हैं और उनके देश पे राज कर रहे हैं, और दोनों हम बिस्तर हैं, राजनीतिक हम बिस्तर ही है, वो हमारे लिए जो रोज आके कहानी सुनवाते हैं टेलीविजन के माध्यम से, कुछ न्यूज चैनल्स के माध्यम से, कि चीन के साथ भारत ने ऐसा किया, चीन के साथ भारत ने वैसा किया, लेकिन ये हकीकत है कि ये सारी की सारी ढकोसला भरी कहानी उन्हें इसलिए सुनानी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन से फटती है। ये असली थोड़ा सा इतिहास निकाल के देखें, बहुत नजदीक का, 2009 में भारतीय जनता पार्टी जो कि विपक्ष में थी उस समय, वो आरएसएस के लोगों के साथ चीन जाती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ मुलाकात करने और बातें करने। सोच के चलिए कि आज कोई विपक्षी दल अगर चीन जाए, विपक्षी दल, तो भाजपा वाले तो कुत्ते बिल्ली की तरह चढ़ पड़ेंगे झगड़े में कि तुम चीन चले गए, दुश्मन से मिलने चले गए। और ये जब खुद विपक्ष में थे तो ये 2009 में ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से चीन में मिलने जाते हैं। एक हफ्ते का लगभग प्रोग्राम होता है, ये लोग आपस में खुचुर 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 पता नहीं कौन सा नूडल खाते हैं और वहां से वापस आते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद 2011 में नितिन गडकरी साहब, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, आजकल मंत्री भी हैं, वो चीन जाते हैं अपने साथ एक दल लेकर के भाजपा का, और वो फिर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मुलाकात करते हैं। ये जानते हुए भाजपा और आरएसएस वाले कि ये जब कहानियां सुनाते हैं कि कैसे 1962 में चीन ने कैसा किया, कैसा चीन ने हमको धोखा दिया, ये उन धोखेबाजों से मिलने जाते हैं। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, ये सोच से भी परे है कि 2014 नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं,
और नवंबर महीना और दिसंबर महीना 2014 का बहुत खास है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग चीन भेजे जाते हैं नरेंद्र मोदी द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मिलके उनके स्कूल ऑफ थॉट से सीखने के कैडर कैसे चलाए जाते हैं, मार्क्सिज्म क्या होता है, मार्क्सवाद कम्युनिस्टों का वो सीखने के लिए, और सबसे बड़ी बात माओ जेडांग की थ्योरीज को सीखने के लिए। माओ जेडांग कौन है? माओ माओवादी, समझे, माओवादी। ये ससुर के नाती भाजपा और आरएसएस वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्र छाया में नवंबर 2014 में चीन जाते हैं एक दर्जन भाजपा के एमपी एमएलए भगत सिंह कोशियारी के लीडरशिप में। वो व्यक्ति जो पहले उत्तराखंड का मुख्यमंत्री रह चुका है, उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था और इस समय माननीय गवर्नर हैं महाराष्ट्र के। ये माओवाद सीखने गए थे चीन। माओवाद जो हमारे देश में बैंड है, सारा दिन इनके जो वो चपड़गंजू संबित पात्रा जैसे जो प्रवक्ता हैं, ये टेलीविजन पे बोलते हैं माओवादी हो नक्सली हो, ये साले सीखने गए थे। ये लोग सीखने गए थे, माओवाद सीखने गए थे। क्यों? किससे? चीनियों से, चीनी माओवादियों से माओवाद सीखने गए थे कि ये भारत में माओवाद कैसे फैलाएंगे। माओवाद कौन है? वही नक्सली जिनको कहते हैं ये लोग। तो हकीकत में नक्सली तो ये हुए। अब आप सोचेंगे मैं ये भूमिका क्यों बांध रहा हूं। मैं ये भूमिका इसलिए बांध रहा हूं कि जो आज का मुद्दा है कि चीन से मोदी डर गया, उसके पहले हम ये तो समझ लें कि चीन और मोदी का रिश्ता क्या है। भाइयों बहनों मित्रों, मेरा चीन से बहुत पुराना नाता है। जब मैं छोटा था और चाय की केटली पे नौकरी करता था और चाय बेचता था, तब बापूजी कहते थे जा चीन चले जा, चीनी ले आ। प्रधानमंत्री बनने के बाद इनके एक भाषण में भाई साहब कहते हैं कि युआन सांग, बहुत बड़ा पुराना चीनी लेखक ट्रैवलर फिलोसोफर, जब इंडिया आया था तो इनके गांव में ठहरा था और उसके बाद जिनपिंग के गांव में जाके ठहरा था। अरे तुम भारतीय हो या चीनी हो, पहले तो ये नहीं समझ में आता था ये भाजपा वाले भारतीय हैं या पाकिस्तानी हैं। पहले तो ये नहीं समझ में आता था कि ये भारत के संविधान और कानून को मानते हैं या जिन्ना की बातों पे चलते हैं। पहले तो ये नहीं समझ में आता था कि ये भारत प्रेम में भारत को उलझा रहे हैं या पाकिस्तान प्रेम में वहां की बिरयानी खा रहे हैं। पहले ये नहीं समझ में आता था कि जहां भारतवासी पाकिस्तान को एक नजर पसंद नहीं करते, उनके लोगों की बात नहीं हो रही, उनके पॉलिटिकल और आर्मी और आईएसआई की बात हो रही, जो उनको एक नजर नहीं पसंद करते थे, ये भारतीय जनता पार्टी वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर को लेके रंडी रोना रोते हैं, विधवा विलाप करते हैं, और एलके अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी, भूतपूर्व भारत के होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इनके राजनीतिक अब्बा हुजूर, चचा हुजूर, जो भी कहना है कह लीजिए राजनीतिक, ये जाके जिन्ना की मजार पे मत्था टेकते हैं। ये जिन्ना की मजार पे मत्था टेके तो ये पाकिस्तानी नहीं हुए। वो जसवंत सिंह इनके मिनिस्टर रहे, भाजपा के बड़े नेता, ये जिन्ना प्रेम में किताबें लिखे, किताब लिखे, तो ये पाकिस्तानी नहीं हुए। और बाकी भारत देश को ये समझाते फिरते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो। पहले तो ये नहीं समझ में आता था। अब ससुर ये नहीं समझ में आता कि ये चीनी कब से हो गए, ये नहीं समझ में आता। चिंग चाऊ नरेंद्र मोदी, चाउमीन वाले, पहले चाय वाले थे, अब चाउमीन वाले, नरेंद्र मोदी चाउमीन वाले, भी समझ में ही नहीं आता। हमें याद है 2014 के इलेक्शन से पहले एक वो इनका संगी चैनल है, रजत शर्मा चलाता है, उसकी एक क्या कहते हैं वो
अदालत फदालत चलाता है, कोई पता नहीं अदालत के लायक तो है नहीं वो, लेकिन कोई अदालत फदालत चलाता है वो रजत शर्मा, और उसके अंदर बैठ करके ये नरेंद्र मोदी 2014 के इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूं, तब ये क्या नाटक करते थे, ओहो दुश्मन आया तुमको मारा और तुम भागे, ओसामा ओसामा सॉरी ओबामा ओबामा है क्या बोलते थे भाई साहब। रजत शर्मा की आपकी अदालत नाम के प्रोग्राम में बैठ के नरेंद्र मोदी ने 2014 के इलेक्शन से पहले यह विधवा विलाप किया था कि भारत की सरकार कि भाई पाकिस्तान या कोई देश आता है और हमको मार देता है और हम भागते हैं ओबामा ओबामा है। और ये अभी क्या करने, चीन आया, चीन के साथ जो भी हुआ सबके सामने है, मोदी के मुंह पे थप्पड़ मार दिया जिनपिंग ने, और ये राजनाथ सिंह कहां गए मास्को, पुतिन पुतिन पुट इन कहां डलवा रहे हो भैया पुट इन, ऐसे तो नालायक लोग हैं ये। हमें तो यही नहीं समझ में आता कि भारत में रहने वाले ये भारतीय जनता पार्टी वाले, चाहे मोदी हो चाहे इनके जितने भी इल्ले इल्ले पिल्ले इल्ले हैं जितने भी हैं, हमें तो यही नहीं समझ में आता कि पाकिस्तान का जब मुद्दा होता है तो भंबड़ 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 मुंह से बम फूटने लगते हैं, बड़े बड़े जनरल और कर्नल बिठा देते हैं टेलीविजन पे, मुंह से भंबड़ 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 तोपे चलने लगती हैं, चीन का नाम आया तो लॉलीपॉप चूस रहे हैं, ये हाल कर दिया अपना, चीन के नाम पे मुंह से जुबान कट गई। हमको तो आप ध्यान से सुनिएगा, भुट्टो की पार्टी है वहां पाकिस्तान में, भुट्टो की, उसका नाम है पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो ने पार्टी बनाई थी, बाद में उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री रही, आजकल बिलावल उछल रहे हैं, बिला वजह उछल रहे हैं लेकिन बिलावल भुट्टो उछल रहे हैं, उनकी पार्टी का नाम है क्या पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है। एक हमारे देश में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, चलो कंपेयर करो, पहला शब्द पाकिस्तान भारतीय, दूसरा शब्द पीपल्स जनता, तीसरा शब्द पार्टी, पार्टी मतलब तो वही हुआ, वो पाकिस्तान पीपल्स पाकिस्तान के लोगों की पार्टी, ये भारत के लोगों की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दोनों एक ही हैं, समझे। ये जो बीजेपी का रोल मॉडल है ये जिन्ना है, सावरकर भी नहीं है, हेडगेवार भी नहीं है।